युवराज हनुमान की, अंजना पुत्र हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की, युवराज हनुमान की। आज की ये पूर्णिमा की रात सुमेरु के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और इसका श्रेय जाता है आपके युवराज हनुमान को। वे ही सच्चे अधिकारी हैं आप सबके आशीर्वाद के। प्रणाम। तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। पूर्णिमा, युवराज हनुमान, आप जैसा मित्र बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। मेरा संपूर्ण जीवन सदैव आपको समर्पित है। युवराज हनुमान, मैं जीवन भर आपके ऋणी रहूंगी। आपके ही कारण मेरे पुत्र सद्मार्ग पे चलने लगा है। अब हमें अनुमति दीजिए, आपकी कीर्ति सदैव अमर रहे। प्रणाम। बल बला बल बल। युवराज हनुमान, आपके और आपके मित्रों के लिए लड्डू। हनुमान मित्र, तुम्हें स्मरण है ना, एक बार तुम सारे लड्डू खा गए थे। हनुमान, पुत्र जब ऐसे महान कार्य करता है, पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। तुम वानर कुल के गौरव हो हनुमान। प्रभु रखते विनती की लाज, हनुमत लाए पुष्प विशेष। सफल परीक्षा हनुमान की, विष ग्रसित कोई नहीं शेष। संकट मोचन महाबली, जय 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 बजरंग बली। कष्ट निवारक महाबली, जय 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 बजरंग बली। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बल बला बल बल। क्या हुआ अतिबल? मैं देख रहा हूँ पंचपन, तुम दशानन रावण के साथ द्रोह कर रहे हो। अतिबल, ये सब देखने के पश्चात भी रावण का गुणगान कर रहे हो? रावण ने तो हमें अपनी शक्ति से बांधा था, किंतु हनुमान की भक्ति ने हमें हर प्रकार के मोह माया और भय से मुक्त कर दिया है। अतिबल, रावण से कह देना
कि पंचफन अब हनुमान भक्त हो गया है और हनुमान भक्त किसी से भयभीत नहीं होते। बल बला बल 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 बला बल बल पंचफन, लंकेश रावण को कोई परास्त नहीं कर सकता। देखना तुम पंचफन, देखना क्या होता है हनुमान के साथ, कैसे लंकेश रावण हनुमान के जीवन को नरक बनाते हैं, नरक। बल बला बल बल। सब तो प्रसन्न है किंतु माँ फिर दुखी है। क्या हुआ माँ? आपके नेत्र में अश्रु हैं? पुत्र, ये अश्रु भी ना बड़े विचित्र होते, दुख में भी निकल जाते और प्रसन्नता में भी निकल आते हैं नेत्रों से। देखो ना, सब कितने प्रसन्न हैं। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, मैं अब समझा, ये प्रसन्नता के अश्रु हैं। स्वामी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अभी। महाराज, महारानी, भोजन कक्ष में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान मित्र, चलो भोजन करने, सारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ माँ, चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। बोलो अंजना, तुम कुछ कहना चाहती थी? पहले भोजन कर लीजिए, बात बात में कर लेंगे। अच्छा चलिए, मैं भी साथ चलती हूँ। कैसी प्रसन्नता छाई है, कैसी शुभ घड़ी लाई है ये पूर्णिमा की रात। आइए महाराज, भोजन करते हैं। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। रथ, प्रतीत होता है इंद्रदेव का रथ मुझे लेने आ रहा है। लगता है ये मेरे लिए ही आ रहा है। हे भगवान, ये सच नहीं स्वप्न होता। मैं विवश ना होती इन सबको छोड़ के जाने की। क्या हुआ महारानी जी आपको?
हे प्रभु धन्यवाद कि ये केवल एक भ्रम था। मैं अभी भी यही हूँ, किंतु अब मुझे स्वामी को बताना ही होगा। अतिमाल, क्या क्या सोच कर रखा था मैंने कि अति भलाएगा, मुझे शुभ समाचार सुनाएगा उस वानर बालक के मृत्यु के बारे में, और मैं पुरस्कार स्वरूप अति बल के सिर पर रत्न जड़ित मुकुट सजाऊंगा, सोने में नहलाऊंगा। किंतु तुम चिंता में मत रहना अति बल, मैं वही करता हूं जो मैं सोचता हूं। तुम्हें अभी भी सोने में जरूर नहलाऊंगा। नहीं लंकेश, नहीं, मुझे सोने से नहीं नहाना है। लंकेश, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो पंचपन ने द्रोह किया है आपके साथ। लंकेश, वो हनुमान भक्त बन गया है। मैं तो सदैव ही आपका भक्त रहा हूँ और रहूंगा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, अन्यथा मेरी बलबला बलबल हो जाएगी। सुनो अतिबल, अगली बार शुभ समाचार लेकर आना, सोने से नहला दूंगा। और यदि समाचार शुभ ना हुआ तब भी सोने से ही नहलाऊंगा, समझे? अगले आदेश तक उस वानर बालक पर दृष्टि रखो, जाओ। लंकेश रावण की जय, लंकेश रावण की जय। स्वर्ण का गौरव राजा के सर के मुकुट में बनने में है, नारी के गले का आभूषण बनकर उसकी शोभा बढ़ती है। यू धरती पे पड़े हुए स्वर्ण का गौरव और उसकी शोभा दोनों ही नष्ट हो जाते। मंदोदरी, पहेलियां ना बुझाओ, जो कहना है स्पष्ट कहो। स्वामी, आप सर के मुकुट के सम्मान सर्वोच्च स्थान पर है, आपकी कीर्ति टेक दिगान तक फैली हुई है, किंतु एक बालक के कारण आप यूं विचलित हो जाए ये आपको शोभा नहीं देता। हमें क्या शोभा देता है और क्या नहीं, हम भली भांति जानते हैं। किसी बालक के अहित का प्रयास करना आपको पाप का भागी बना देता है, और आप तो स्वयं महाशक्तिशाली हैं, सुरक्षा कवच भी है आपके पास, आपको किसका भय? रावण है हम ब्रह्मास्मि। रावण किसी से भी भयभीत नहीं होता। स्वामी, ये भय ही तो है जिसके कारण आप बार बार एक बालक के पीछे असुर भेज रहे हैं। हरि शरण में आ जाए, और मुझे विश्वास है कि जो भविष्यवाणी है वो भी मिथ्या हो जाएगी। विष्णु देव ने नर अवतार धारण किया है रावण का वध करने के लिए। विष्णु का नर अवतार और सुमेरु में सूर्य निगलने वाला वो वानर,
केवल नर और वानरों से ही मेरे पुत्र को खतरा है, जिसके भय से आप ये सब कर रहे हैं। मंदोदरी, तुम्हारी मत मारी गई है क्या? हमें प्रवचन दे रही हो रावण को? मैं और हरि का भक्त, वो मेरा शत्रु है। और जहां तक प्रश्न है भविष्यवाणी का, तो वो कभी पूरी नहीं होगी। मैं रावण उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा। स्वादिष्ट है। नानी, ये लड्डू तो चूर चूर हो गए। लगता है इसे भी पता चल गया है कि मेरी क्षुधा शांत हो गई है। अभी से कैसे तुम्हारी क्षुधा शांत हो गई? मेरा तो अभी मन ही नहीं भरा। मेरे संकट मोचन हनुमान, तुमने कितने लोगों का जीवन बचाया है, तुम्हें कैसे धन्यवाद दें, कैसे सेवा। नानी, मैं छोटा हूँ अभी। माँ कहती है छोटों को बड़ों की सेवा करनी चाहिए। मैं आपकी सेवा करूँगा। अपना मुख खोलिए, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। अब मेरी बारी। नहीं नानी, नहीं, मेरी क्षुधा तृप्त हो गई है। नहीं नानी, नहीं। हनुमान, एक थोड़ा सा खा लो। नहीं नानी, मेरा पेट भर गया है। नहीं। कोई था क्या वहां? क्या हुआ? किसे देख रहे थे वहां? वो नानी, किसी को नहीं। नानी देखिए ना, कितना अच्छा लग रहा है बाहर। क्या हम लोग नदी किनारे घूम कर आए? क्यों मित्रों, हम सब चले नदी किनारे? हाँ नानी माँ, जाने दीजिए। हाँ। हाँ नानी माँ। इतनी रात्रि? नानी जाने दीजिए ना, बहुत मन कर रहा है अपने मित्रों के साथ खेलने का। हाँ नानी माँ, जाने दीजिए। मना मत कीजिए। ठीक है, जाओ, किंतु सावधान रहना और शीघ्र ही लौट कर आना। कुछ तो अवश्य था वहाँ। ज्ञात है कि स्वामी कहाँ है? वो तो राजगुरु के साथ है, किंतु तुम्हें क्या हुआ? मैं आपके आचरण छुप कर सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ माँ। एक नन्हे शिशु की बात। क्या बात है अंजना, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? बोलो। बात यह है कि माताजी,
पंचफन की घटना ने अभी तक व्याकुल कर रखा है अंजना को, और कुछ नहीं। स्वामी मैं अंजना, पंचफन का संकट समाप्त हो चुका है। इतने बड़े संकट से हम लोग उभरे हैं, इसलिए राजगुरु ने कहा है कि हमें कुल देवी के मंदिर जाके उनका आभार प्रकट करना चाहिए। अच्छा रहेगा, माता के मंदिर में तुम्हारे व्याकुल मन को भी शांति मिलेगी। किंतु माँ, अभी तो कुलदेवी के विश्राम का समय है। आज इतने शीघ्र पटबंद नहीं होंगे, आज पूर्णिमा है ना? तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। चलिए चलते हैं। अंजना, मैं पूजा की थाली तैयार करवाती हूँ। अब तुम माँ हो या महारानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्राप तुम्हें एक पुत्र को जन्म देने तक के लिए ही मिला था, जो तुम हनुमान को जन्म देकर पूर्ण कर चुकी हो। अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्ग लोक लौटना होगा। यही है तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धर्म, पूंजी का स्थल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।